बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित रामपुरा के रेलवे फाटकों के समीप एक प्राइवेट कंपनी की एसी बस शनिवार को धू धू कर जल उठी। इस भीषण आग में झुलसकर बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग झुलस गए हैं। इनमें से 3 यात्रियों को गंभीर अवस्था में लुधियाना के DMC में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 17 को रामपुरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस जालंधर से बठिंडा की तरफ आ रही थी, तभी किसी तकनीकी खराबी के चलते उसमें आग लग गई। बस में बैठे यात्रियों को जब पता चला तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन चालक 300 मीटर तक बस को उसी हालत में दौड़ाता रहा। चालक ने बस रोकने का प्रयास तब किया जब पूरी बस आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों की चीख पुकार सुनकर बस के शीशे तोड़े और तकरीबन 30 यात्रियों को बाहर निकाला। इस दौरान सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद बस का ड्राइवर छलांग लगाकर फरार हो गया। SDM रामपुरा नरेंद्र धालीवाल के मुताबिक मृतकों और झुलसे लोगों की फिलहाल कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पहचान की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन की ओर से घायलों का उपचार भी करवाया जा रहा है।